बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक जी। सो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा है कि हम नाइव बेस क्लासिफायर को यूज़ कैसे करते हैं। वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा इस इंट्यूशन में नहीं गए और इस बैकग्राउंड में नहीं गए कि व्हाट आर द नाइव अजम्पशंस एंड हाउ इज द सिंपल बेस क्लासिफायर कन्वर्टेड इनटू अ नाइव बेस क्लासिफायर एंड वाई। तो इस वीडियो का मकसद यह है कि इसमें हम इस चीज़ को देखेंगे थोड़ा सा कि नाइव बेस क्लासिफायर के अंदर वो नाइव अजम्पशंस क्या हैं, क्यों हैं, अगर वो अजम्पशंस ना हों तो क्या नुकसान होगा, एंड देन विल फिनिश ऑफ विद रिपीटिंग वन एग्जांपल फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो, जिसमें अब सब कुछ समझने के बाद विल जस्ट डू अनदर एग्जाम्पल ऑफ क्लासिफिकेशन। सो लेट्स मूव ऑन एंड लेट मी रिमूव माई वीडियो फ्रॉम दिस। सो लाइक वी सेड कि लास्ट टाइम वी सॉ द नाइव बेस क्लासिफायर वर्क, नाउ लेट्स सी व्हाई इट्स कॉल्ड नाइव। इसमें कौन सी ऐसी बातें आ गई जिसकी वजह से आप इसको भुला भाला कहने लगे। सो इन स्लाइड्स में से कुछ ऐसी हैं जो मैंने डैन जुराफ्स्की की ऑनलाइन स्लाइड से अडेप्ट की हुई हैं, उनकी बुक SLP 3 जो आपके कोर्स में एज अ रेफरेंस बुक है। अगेन हाईली रिकमेंडेड बुक है, वो इस जगह इस लिंक के ऊपर अवेलेबल है। जस्ट पूरा लिंक कॉपी करने के बजाय जस्ट राइट SLP 3 और डैन जुराफ्स्की ऑन गूगल और आप डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाएंगे। आई थिंक यू ऑलरेडी बीन डूइंग दैट, बट जस्ट रेफरिंग टू द मेन सोर्स जो इनमें से कुछ स्लाइड्स के लिए यूज हुए। ऑलराइट, सो द नाइव बेस क्लासिफायर और उसकी बेसिक इंट्यूशन। सो इट्स अ क्लासिफिकेशन मेथड विच इज़ बेस्ड ऑन बेस रूल एज मच, इतना तो आप ऑलरेडी आई थिंक फिगर आउट कर चुके होंगे इन द लास्ट लेक्चर। So it has a simple assumption about how the features interact with one another. So agar aapke features, if you have multiple features which are defining a particular set of data, then it has an assumption about them. Aur wo assumption ko hum naive assumption kehte hain, jiski wajah se ye base naive base ban jata hai ki ye kuch ek simplifying assumption leta hai ek point par. Wo simplifying assumption bahut se cases mein galat bhi hoti hai और कुछ केसेस में सही भी हो सकती है। जब वो सही हो जाती है तो हमारा क्लासिफायर इज एन अमेजिंग क्लासिफायर, लेकिन जब तक वो अजम्पशन गलत होती है तो तब ये एस्टिमेट कर रहा होता है, इट स्टिल परफॉर्म्स प्रीटी वेल एम्पिरिकली, लेकिन एट द सेम टाइम वो अजम्पशन हम देखेंगे कि वो अजम्पशन हमारे रियलिटीज़ को बहुत सिंप्लीफाई कर देती है, जिससे कभी ओवर एस्टिमेशन और कभी अंडर एस्टिमेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज हो रहा होता है। एंड इट usually relies on a simple representation of documents. अगर हम documents की बात करें, अगर और चीज़ों की बात करें तो उनकी भी simple representation की जा सकती है। और document की case में we use the bag of words assumption, जो कि हम इससे पहले आप करते रहे हैं, पिछली वाली example में भी कर चुके हैं, पिछली video में भी कर चुके हैं, लेकिन अब हम थोड़ा सा उसको एक दफ़ा फिर से देखेंगे कि वो चीज़ क्या होती है। सो देर आर two different assumptions that we'll be looking at. One is the bag of words assumption and the other is that simple naive assumption. So bag of words itself is a naive assumption and the other one is actually what's referred to as the naive assumption, and we'll see करते हैं। इन जनरेटिव क्लासिफिकेशन वी सॉ के आपके पास आपका बेस थ्योरम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ किया था डेटा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डेटा गिवन हाइपोथेसिस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस इज क्लासेस डेटा, और इसको हमने एज मैप से यानी मैक्सिमम पोस्टीरियरी प्रोबेबिलिटी के थ्रू ईमेल रिपीट हो रहा था, क्लास चूज करने का तरीका सीखा था। मैक्सिमम पोस्टीरियरी यहां पर देख सकते हैं कि यू हैव योर मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट ऑफ द क्लासेस वेयर द क्लासेस कुड बी स्पैम और नॉट स्पैम इन दिस एग्जांपल। सो वी वांट टू पुट दीज क्लासेस इन दीज प्लेसेस, स्पैम एंड नॉट स्पैम दोनों के लिए ये पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होगी, एंड वंस वी कैलकुलेट दिस प्रोबेबिलिटी वी विल जस्ट टेक द मैक्स over all of the classes, in this case these two classes, and we'll get jo bhi unme se zyada probability show kar rahi hogi that class is going to win. Once we represent these as these feature vectors, so we are essentially saying that the probability of class given these feature vectors is equal to probability of these feature vectors given the class into probability of class over probability of the feature vector itself. Humne isko bahut tafseel se isse pehle discuss kiya tha, but in the last line you can see के बिकॉज द डिनोमिनेटर रिमेन्स द सेम, तो हमारे मैक्स पे कोई असर नहीं डालता, एंड वी आर लेफ्ट एसेंशली विद दिस थिंग एज द फाइनल इक्वेशन, एज द एक्सप्रेशन टू मैक्सिमाइज। और इसके अंदर हमने डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स डालकर देखना है कि इसकी मैक्स वैल्यू हमें किसके लिए मिलती है, और जिसके लिए मैक्स वैल्यू मिलती है वो जीत जाएगा। उस क्लास को हम कह देंगे कि ये हमारी वो क्लास है जो कि हमें मैक्सिमम पोस्टीरियर प्रोवाइड कर रही है। सो दैट्स अ ब्रीफ समरी ऑफ वॉट वी हैव ऑलरेडी। All right.
सो नाउ द प्रॉब्लम इज दैट इस पूरी चीज में दिस एच मैप इज इक्वल टू आर मैक्स ओवर ऑल क्लासेस प्रोबेबिलिटी ऑफ ईमेल रिप्रेजेंटेड बाय इट्स फीचर्स x1 x2 x3 अप टू xn गिवन द क्लास इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास. इस सब कुछ में से ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास है ना, ये तो आपको पता है बहुत आसानी से निकल आती है. प्रायर तो बहुत सिंपल, आप सारी की सारी क्लासेस लेते हैं, टोटल करते हैं, डिनोमिनेटर में रखते हैं और उस क्लास की एग्जांपल्स जितनी आपने देखी होती है न्यूमरेटर में रखते हैं और आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास आ जाती है. लाइक यू फाउंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम एंड यू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन स्पैम. सिमिलरली अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हों 5 ऑथर्स के जिनके बीच में आप ऑथरशिप एट्रीब्यूशन करना चाह रहे हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑथर वुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय दैट ऑथर डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स अक्रॉस ऑल ऑथर्स. तो ये प्रायर तो बहुत सिंपल था. The only challenge is this likelihood term. So how do you calculate the likelihood, the probability of x1, x2, x3 given up to xn given class? Now this we are claiming is hard to compute directly. ये इतनी आसानी से निकलती नहीं. अच्छा, इसकी क्या बात है, इसकी क्या रीजन? इसकी रीजन ये है कि आप जरा इस चीज पर गौर करें कि हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि this is the joint probability of all the features given the class. अगर आप इसको निकालने की कोशिश करेंगे चेन रूल से, देन यू वुड इन इट्स ट्रू सेंस यू नीड टू गो ओवर इफ दीज आर वर्ड्स एंड पोजीशंस, यू नीड टू कंसिडर ऑल पॉसिबल सेट्स ऑफ वर्ड्स एंड पोजीशंस. जिनमें से हम अगर एक सेट को लें जो अभी गिवन है और रिज्यूम करें कि जी ये ऑर्डर ही ऑर्डर की इंपॉर्टेंस थी और यही ऑर्डर था, तो चेन रूल उस पर लगाने से हमें ये मिलेगा. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डियर फ्रेंड कॉल मी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डियर फ्रेंड कॉल मी would be equal to the probability of dear given spam, right, into the probability of friend given dear and spam, into the probability of call given dear friend and spam, into the probability of me given dear friend call and spam. सो आई होप आपको चेन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटीज याद होगा कि किस तरह से हम जॉइंट प्रोबेबिलिटीज को एस्टिमेट करते हैं. और ये भी याद होगा कि जिस वक्त हमने बेस थ्योरम कैलकुलेट की थी तो उस वक्त भी हमने इस चीज़ को देखा था, जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट्स से ए एंड बी, और इसको हमने निकाला था द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट्स से, दो तरह से इसको लिख सकते हैं, ए गिवन बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट्स से बी गिवन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. सो दिस वॉज योर चेन रूल, और वही चेन रूल मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है. मैंने यहाँ पर सिंपली कहा है जॉइंट प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे एक कंडीशन टर्म और थी एस की, वो उसी तरह से हमारे पास रहेगी और उसी तरह से यूज होती जाएगी. सो द प्रोबेबिलिटी जॉइंट प्रोबेबिलिटी ओवर डियर फ्रेंड कॉल मी वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ डियर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रेंड गिवन डियर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉल गिवन डियर फ्रेंड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ मी गिवन डियर फ्रेंड कॉल एंड सो ऑन. ठीक है, तो अब ये यहाँ पर याद रहे कि ये आपने प्रोबेबिलिटी खाली इस एक सेट ऑफ पोजिशन के लिए निकाली है. सो यू आर एज्यूमिंग कि इन फीचर्स में पोजिशन इंपॉर्टेंट है और बस जो टेस्ट में पोजिशन आ रही है वही पोजिशन काफ़ी. पहली बात तो आप यहाँ पर ये नोट करें कि हम ये कह रहे हैं कि ये पोजिशन इंपॉर्टेंट है. ये अब ऐसे फीचर्स में नहीं चलेगा जहाँ पर पोजिशन इंपॉर्टेंट है, लाइक द प्रॉबिलिटी ऑफ लेट्स से, अगर आपको याद हो अपने हार्ट डिजीज के जो इंडिकेटर्स हैं उनके ऊपर काम किया था, आपने देखा था कि जी लेट्स से ब्लड प्रेशर एंड वर्सेस ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या अबनॉर्मल, हम बाइंडिंग कर लेते हैं सब कुछ, नॉर्मल है या अबनॉर्मल है, लेट्स से आर्टरीज ब्लॉक हैं या नहीं हैं, सांस फूलता है या नहीं फूलता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अब वो सारे फीचर्स पोजिशनल नहीं हैं, सो देन यू वुड नीड टू कंसिडर ऑल दी कॉम्बिनेशन ऑफ दोज फीचर्स गिवन ऑल द रिमेनिंग फीचर्स. So you can see that this would be a very large number of probabilities that you need to deal with. Ek problem. Dusra problem ki yahan par, aur is second problem ko main aur zyada detail mein bhi aage discuss karunga, ki aapke liye ye zaruri hai ki jo aapki test email mein ye aaya hai na dear friend call me, ye exactly kahin na kahin aapki training data mein aaya ho, because you're actually finding these probabilities. You need to figure out ki dear friend call me hoga, so the probability of let's say dear kaise niklegi. The probability of dear is basically the count of dear in all small spam emails, the count of dear divided by count of all tokens, right? But how would you find the probability of friend given dear? Ye hum aage jaakar abhi dekhte hain, but that would essentially be the count of friend divided by the count of dear friend, sorry, the count of dear friend, मैं गलत कह गया, मैं इसको लिख देता हूँ. सो दी मैं यहाँ ऊपर कर लेता हूँ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट्स से फ्रेंड गिवन
डियर एंड स्पैम वो ये होगी कि आप जस्ट विद इन स्पैम जाकर यू विल फाइंड द काउंट ऑफ डियर फ्रेंड एंड यू विल डिवाइड इट विद द काउंट ऑफ डियर. सो एसेंशियली अगर आप बिल्कुल इसमें एक्यूरेट होना चाहें तो यू आर सेइंग the count of dear friend divided by the count of deer followed by anything which essentially means the count of deer. So ye deer normalizing factor ban jata hai aapka, and this is the actual probability. And similarly for the next one, the probability of call given dear friend would essentially be equal to the count of dear friend call divided by the count of dear friend, and this last would be the count of dear friend call dear friend call me divided by the count of dear friend call, right? तो अगली स्लाइड में जाकर हम दोबारा इसको देखेंगे भी, लेकिन आई जस्ट वॉन्ट यू टू अप्रिसिएट एट दिस पॉइंट कि इसके लिए ज़रूरी है कि जितना मर्जी बड़ा सेंटेंस है इसे कहीं ना कहीं मिला हो अपने ट्रेनिंग डेटा में. अगर ये सेंटेंस मौजूद ना हुआ अपनी किसी भी लेंथ पर तो द प्रॉबिलिटी वुड बिकम जीरो बिकॉज द काउंट ऑफ लेट्स से डियर फ्रेंड कॉल मी इन योर ट्रेनिंग डेटा इज जीरो, तो देन इट वुड मीन कि ये बाकी सारी की सारी टर्म को जीरो कर देगा. ठीक है, तो इस प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इट रिक्वायर्स यू टू फाइंड एग्जैक्ट दीज एग्जैक्ट लॉन्ग सीक्वेंसेस, और क्योंकि लैंग्वेज क्रिएटिव है एग्जैक्ट सीक्वेंसेस मिलना बड़ा मुश्किल होता है. ठीक है, सो दिस इज पॉसिबल इफ यू हैव अ वेरी वेरी लार्ज नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स. कितनी लार्ज, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, बट वेरी लार्ज नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स अगर ये हो जाए तो देन यू कैन यूज बेस. And then your decisions of classification are optimal decisions. और ये चीज़ हम आगे जाकर किसी point पर देखेंगे, हो सकता है किसी supplementary video के अंदर, कि the Bayes optimal classifier. In fact हो सकता है कि हमें इसको अपने main course में ही करना पड़े जब हम KNN पढ़ रहे होंगे. But the Bayes optimal classifier, it performs, it gives you the best classification decisions on average for the same data and for the same features. अगर हम उसके किसी भी दूसरे क्लासीफायर से कंपेयर करें, बट द प्रॉब्लम इज कि उसके चलने के लिए ये सब कुछ चाहिए और ये सब कुछ होना इन रियल वर्ल्ड मुमकिन नहीं होता. इस वजह से हम ये कहते हैं कि बेस ऑप्टिमल क्लासीफायर यूजुअली मुमकिन नहीं होता उसको बनाना. ठीक है, सो इस सब कुछ को सॉल्व करने के लिए योर नाइव बेस मेक्स टू सिंप्लीफाइंग assumptions. अब हम उन assumptions को देखने के लिए तैयार हैं. So before I state those two assumptions of the naive Bayes classifier, मैं चाहता हूँ कि आपके जहन में बिल्कुल ये चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि हम सिंपल बेस आम बेस को यूज़ क्यों नहीं करते और वो हमसे क्या रिक्वायर करता या किस तरह की चीज़ें रिक्वायर करता है इन केस ऑफ टेक्स्ट एज अपोज टू वो सिंप्लीफाइंग assumptions के जो हम इसके ऊपर लगाना चाह रहे हैं, यानी प्रॉब्लम कहाँ पर जाके आ रहा है. सो ये उसी पर थोड़ा सा जो मैंने पिछली स्लाइड में समझाने की कोशिश की थी, अगर वहाँ से किसी को क्लियर नहीं हुआ तो मजीद मैं उसकी थोड़ी सी डिटेल में जा रहा हूँ. All right, so let's assume you have a sentence capital W. So capital W is a sentence made up of words small w. So W1 to WN aapke paas ye pura ka pura sentence hai. So you have your W1, your W2, your W3 up to your WN. So this whole thing is your capital W. So probability of W given class C. Theek hai? So the probability of W given class C is essentially, according to the chain rule, the probability of W1 given class into the probability of W2 given W1 and class. So this is the intersection of W1 and class. Yani, let's say your class is spam. Hum is tarah baat kar lete. Probability of this sentence in spam is equal to the probability of finding this word 1 in spam and the probability of finding the word 2 given word 1 and spam. Dono assumptions. Ki word 1 bhi ho aur wo spam bhi ho. And the probability of W3 is the probability of W1, W2 and spam and so on and so forth. Isi tarah se aage chalta jayega up till you go to the last word WN. Yahan par ye yaad rahe ki ek aur simplifying assumption already isme chal rahi hai ki hum is order ko importance de rahe hain. Hum ye keh rahe hain ki probability of W2 given W1C, in probability of W2 given W1 or spam, हम ये कह रहे हैं कि W1 के बाद W2 आ रहा है, क्योंकि हम इस sentence की probability देखना चाह रहे हैं. हम ये कहना चाह रहे हैं W2 W1 के बाद आया हुआ है इस test sentence W के अंदर, तो लिहाजा हम यहीं ढूंढ रहे हैं. अदरवाइज हमें इसके सारे पॉसिबल कम्बिनेशन देखने पड़ते, तो ये ज़रूर याद रहे W1 को हर पोजिशन में रखना पड़ता है, W2 को हर पोजिशन में रखना पड़ता है, W3 को और WN को, एंड आई लीव इट टू यू टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ दोज सच कम्बिनेशन जो इसके बन सकते हैं फॉर लेट्स से N वर्ड्स. ठीक है, तो ऑलरेडी एक सिंप्लीफिकेशन इसमें जा रही है, लेकिन इवन विद दिस सिंप्लीफिकेशन क्या बनता,
इससे ये बनता है, लेट्स अज्यूम यू हैव दिस सेंटेंस, माय डियर हियर वी मस्ट रन एज फास्ट एज वी कैन जस्ट टू स्टे इन प्लेस एंड इफ यू विश टू गो एनीवेयर यू मस्ट रन ट्वाइस एज फास्ट एज दैट। किसी को याद है कहाँ से आ रहा है ये सेंटेंस, कहाँ से लिया है मैंने ये? सो दिस इज फ्रॉम वन ऑफ माई फेवरेट चाइल्डहुड बुक्स जो कि मैं अभी भी पढ़ता हूँ, और मैं अगर क्लास में होता तो आप लोगों से हाथ खड़ा करवाता कि कितने लोगों ने एलिस एडवेंचर्स थ्रू द लुकिंग ग्लास पढ़ी हुई है, लुइस कैरल की। लुइस कैरल बाय द वे वाज अ मैथमेटिशियन। अगर नहीं पढ़ी तो आजकल आप लोगों में से अक्सर अपने अक्सर वक्त में फारे हैं, तो अब पढ़ लें, ये आपको बहुत फ्री भी मिल जाएगी, इसकी PDF भी मिल जाएगी, कहीं ना कहीं से ढूंढ ढांड के पढ़ लें। बोथ ऑफ दीज बुक्स, एलिस एडवेंचर्स थ्रू द लुकिंग ग्लास एंड इन द वंडरलैंड, बोथ आर रियली इंटरेस्टिंग बुक्स। इस मौजू पर प्लीज़ कोई मूवी मत देखें, मूवी रुइंस योर फ्लेवर ऑफ द बुक, लेट योर इमेजिनेशन डू द वर्क इन द बुक। And the book is amazing, by the way. So don't let what the movies or other things. I've heard from people who have watched the movies and not read the books. Ajeeb ajeeb baatein in books ke baare mein karte hain. You'll find references to phrases from this book all around books of mathematics and computer science and machine learning and everywhere. And there are reasons, especially in books of logic. Anyhow, chale. Ye toh hum kahin se kahin chale gaye. So you have this sentence. And you want to find out this the probability of this sentence given the class C, let's say the sentence given a big chunk of text, let's say main kehta hu ki ye ek bahut bada corpus hai mere paas, yeah, given let's say spam ke andar ye wala jumla aane ki kya probability, how would you calculate that? You calculate it as probability of my given C into probability of dear given my and C, into the probability of comma, क्या हम कॉमा को भी रिमूव नहीं कर रहे, उसको यूज कर रहे हैं, प्रॉबिलिटी ऑफ कॉमा गिवन माई डियर सी, अब ये दो कॉमर्स मिक्स ना कीजिएगा, अगले वाले में आ रहे हैं, द प्रॉबिलिटी ऑफ हियर गिवन माई डियर कॉमा, और ये दूसरा कॉमा मैंने लगाया है इंटरसेक्शन शो करने के लिए दोनों क्लासेस की। सो एंड यू गो ऑन लाइक दैट एंड यू फाइंड दीज दी सो दिस सो द टोटल थिंग जो एज तक आपका पूरा का पूरा चल रहा है वो होगा द फाइनल द प्रोबेबिलिटी दैट्स गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड इन दैट सीक्वेंस वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट, ये वाला दैट जो आखिर में है, गिवन दिस होल सेंटेंस राइट। सो गिवन दिस होल सेंटेंस, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दिस क्लास लेट्स से स्पैम और द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट, ये चेन रूल से सारी प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई होंगी तो आपके पास वो रिजल्ट आएगा जो कि सही प्रोबेबिलिटी होगी विद द एस्टिमेट कि जी हम कह रहे हैं जुमला इसी तरह से आया हो, ठीक है। अब ये निकलेंगे कैसे, अब थोड़ा सा इन प्रोबेबिलिटीज को निकालने की कोशिश करते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम समझ आए कि मसला कहाँ आएगा। व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ माय गिवन सी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ माय गिवन सी इज जस्ट द काउंट ऑफ माय इन द डॉक्यूमेंट्स ऑफ माय क्लास सी, लेट्स से स्पैम की सारी ईमेल्स में माय कितनी दफा आया, डिवाइड बाय काउंट ऑफ ऑल द वर्ड्स इन सी, ठीक है। सो दिस इज लाइक द माय गिवन सी डिवाइड बाय एन व्हिच इज द नंबर ऑफ ऑल द tokens in this class, let's say spam में जितने सारे words आए जैसे आप अभी पीछे कर कर आए, and again in the next one the probability of dear given my and c, क्या निकलेगा, the count of my dear in all of this class let's say spam में कितनी दफा my dear आया था, divided by कितनी दफा spam में my followed by anything आया था, right? तो माई फॉलोड बाई एनी थिंग इसेंशली मीन्स जस्ट माई, सो यू जस्ट फाइंडिंग माई, अगर ये लेट्स से आखिरी वर्ड हो आपके पूरे के पूरे उसका, तो तब भी हम उसके आखिर में एक एंड ऑफ फाइल टोकन लगाकर इसको कह सकते हैं कि इसके बाद कोई चीज़ आ सकती है, और इन रियलिटी जब हम इस तरह के एनालिसिस करते हैं तो उसमें फिर हमें ये एंड ऑफ फाइल स्टार्ट ऑफ फाइल एक या एक से ज़्यादा कई टोकन भी लगाने पड़ सकते हैं, राइट। सो हाउ वुड यू कैलकुलेट द नेक्स्ट वन, ट्राई खुद से कैलकुलेट करें इससे अगली प्रॉबिलिटी निकालने की। सो हम डियर तक पहुँच चुके थे, डियर के बाद आ रहा है कॉमा वाला, can you try to calculate this yourself, pause the video, try to calculate it yourself, and yahan par maine comma ka nahi nikala hua, I'm sorry, to aap apne taur pe khud kar lijiye, ka maine directly here ki nikali bhi hai, I missed that one, to apne taur pe kar le, agar here ki aap nikalna chahe to here ki kya niklegi, the count of my dear comma here, yahan tak ka pure ka pura jitni puri cheez ki aap nikal rahe hain us pure ka count अपनी उसी क्लास के डॉक्यूमेंट्स के अंदर डिवाइडेड बाय उससे एक कम तक का काउंट, यानी माय डियर कॉमा तक का काउंट हियर नहीं इसमें लगा हुआ, ठीक है। सो अगर आप लास्ट वाला निकालना चाहें तो आप कैसे निकालेंगे, अगर आप बिल्कुल मैं इसके आखिर में चला जाऊं तो व्हाट यू गोना डू इज इट विल बी द काउंट ऑफ दिस होल फ्रेज माय डियर से लेकर दैट तक की पूरी फ्रेज, इस पूरे का काउंट
डिवाइडेड बाय, मैं अभी आपके सामने वो दिखाता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पहले जबानी करें ताकि आप जहनों में एक दफा करें पूरे के पूरे सेंटेंस का काउंट डिवाइडेड बाय द काउंट ऑफ माय से लेकर एज तक का काउंट, ठीक है। तो ये जब आप निकालेंगे तो आपको मालूम होगा कि यार ये तो बहुत ही रेयर चीज़ है, मुझे ये पूरे का पूरा सेंटेंस कहाँ से मिलने लग गया। अब यहाँ तो समझ में आता है कि मैंने जुमला पूरा एलिस थ्रू द लुकिंग ग्लास से उठाया है। सो अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट एलिस थ्रू द लुकिंग ग्लास है तो ये उसमें मिल जाएगा एक या दो दफ़ा, ये जुमला वहाँ पर हो सकता है एक दफ़ा तो कम अज़ कम लिखा हुआ होगा। द प्रॉब्लम इज कि वॉट अबाउट न्यू सेंटेंसेज, डू यू रियली बिलीव कि जब आपके पास एक नई स्पैम ईमेल आई है और उसके कोई उसमें 40 वर्ड्स लिखे हुए हैं और मैं उस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट होल ईमेल निकालना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे उस पूरी की पूरी ईमेल का एक इंस्टेंस अपने टेस्ट डेटा ट्रेनिंग डेटा के अंदर चाहिए, और अगर उसमें एक लव्स भी डिफरेंट हुआ या लव्स भी मिसिंग हुआ या कैपिटल स्मॉल या स्मॉल कैप भी हुआ तो मैच नहीं होगा और प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी। दैट्स द काइंड ऑफ प्रॉब्लम वी आर डीलिंग विद, दैट्स द प्रॉब्लम विद द रियल बेस। ये जब बेस इस प्रोबेबिलिटी को निकालता है तो वो कहता है इस इवेंट को जाकर ढूंढो अपनी सारी क्लासेस के अंदर इनकी, और इनकी फ्रीक्वेंसीज से इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालने की कोशिश करो। सो द प्रॉब्लम इज दैट लैंग्वेज इज क्रिएटिव, देयर आर जस्ट टू मैनी पॉसिबल सेंटेंसेस एंड इट्स हार्ड टू एस्टिमेट लॉन्गर सेंटेंसेस, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट जो है वो बहुत इनफ्रीक्वेंटली वो अकर करते हैं, यानी ऐसा नहीं होता कि आपके वर्ड का पूरा कॉन्टेक्स्ट ही आपको मिल जाएगा, बहुत मुश्किल है ये। और हो सकता है कि आप जो है वो इनफ डेटा कभी देख ही ना पाएं इन सबको एस्टिमेट करने के लिए। उसके लिए मैंने आज से ये 2-3 साल पहले गूगल पर किया था, अभी खुद करके देख लीजिएगा अभी भी ये आंसर आ रहे हैं कि नहीं। और यहाँ मैं एक कैवियट बता दूं जो मैं आपको एग्जांपल शो कर रहा हूँ, दिस इज जस्ट टू गिव जस्ट टू हेल्प यू अप्रिसिएट कि ये प्रॉब्लम कितना बड़ा है, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि क्योंकि मैंने गूगल सर्च करके जुमलों के काउंट्स निकाले हुए हैं वो काउंट्स एग्जैक्टली इक्वल नहीं होते। गूगल इज डूइंग अ लॉट इन द पाइपलाइन ऑफ सर्च, तो वो ऐसा नहीं कर रहा कि एग्जैक्ट हिट्स निकाल रहा है, वर्ड को उसी तरह जाने दे रहा है और उसी तरह वापस ला रहा है, वो बीच में स्टॉप वर्ड रिमूव भी करता है और चीज़ें भी करता है, लेकिन जस्ट टू गिव यू रफ एस्टिमेट्स कि हाउ क्विकली आर सेंटेंसेज कुड बिकम न्यू फॉर द होल वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट। तो मैंने ये वर्ड वॉटर ढूंढा है और इसको मैंने सर्च किया गूगल के ऊपर, ये मैंने जैसे कहा कि आज से 1-2 साल पहले ये स्लाइड बनाई थी तो तब मैंने किया था, एंड इट गॉट लाइक दीज मैनी हिट्स। सो इसको अच्छे खासे वाटर के जो है वो इंस्टेंसेज मिल गए थे, सिंगल वर्ड इज अ बहुत मिल गया। सो दिस इज वाटर गिवन ऑल द टेक्स्ट ऑन द इंटरनेट, वाटर गिवन एनीथिंग दैट गूगल हैज एक्सेस टू, राइट। एंड देन आई सर्च फॉर वाटर फ्लोज एंड यू सी अ ड्रॉप, यू सी अ बिग ड्रॉप। सो हियर यू हैव दिस, ये आपके पास मिलियंस के अंदर है। सो ये आपके पास नंबर जो था ये बिलियंस के अंदर था। तो आप सडनली वर्ड से 2 वर्ड्स करने से बिलियन से मिलियंस ऑफ हिट्स के अंदर आ गए, आपके काउंट्स इतने कम हो गए, यानी वाटर आउट ऑफ, और अगर गूगल एग्जैक्टली वर्ड्स ढूंढ के दे रहा होता और वो फ्लोज को फ्लो ना कर रहा होता, वैसे तो मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमास लगा के इंश्योर करने की कोशिश की है कि वो एग्जैक्ट ढूंढे, तो होपफुली वो ढूंढ रहा होगा। अगर वो एग्जैक्ट ढूंढ रहा है तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ वाटर फ्लोज of all the times there exists water, तो वो होगी probability of water into the probability of flow given water, और given is सब कुछ में internet का सारा text है, तो this million thing would be divided by this billions thing to get that probability. यहाँ तक so far फिर भी चलो ठीक है numbers. Now I search for water flows faster and I just find 19,300 results. And then I search for water flows faster before, और यहाँ obviously मेरी कोशिश थी कि मैं ऐसा सेंटेंस क्रिएट कर रहा था जो थोड़ा सा ज़रा क्रिएटिव हो, rather than कि कोई ऐसा जुमला हो जो मेरे जहन में आ रहा हो जो किसी मूवी में यूज़ हुआ हो या किसी बुक में यूज़ हुआ हो जो इंटरनेट पर होने की हाई प्रॉबिलिटी हो। बट या when you write stuff, new stuff, you often try to be creative and you try to create new things. So इसके 5 रिजल्ट मिले हैं इसको, इसको पूरे इंटरनेट के ऊपर 5 रिजल्ट मिले हैं, अभी हम 4 वर्ड्स तक पहुँचे। एंड देन I searched for water flows faster before sinking. So let's assume मैं किसी एक geographical text लिख रहा हूँ जिसमें मैं कह रहा हूँ कि जी पानी जो है वो बहुत तेज़ी से बहता है इससे पहले कि वो let's say sink हो जाए एक sink hole के अंदर, या एक waterfall के ऊपर से गिरने लगे, या एक सुराख पड़ा हुआ ज़मीन में, limestone caverns हैं वहाँ पे पानी अंदर जाने लगा, ठीक है। और इसके इसको कोई hits नहीं मिली है, आप ये 26 million के ऊपर ना जाएँ, ये पढ़ें पहले, no results found for this. ये
विदाउट कोट्स इसको ढूंढ रहा है, वाटर फ्लोज फास्टर बिफोर सिंकिंग, जिस केस में फिर ये फ्लोज को भी फ्लो में कन्वर्ट कर रहा है और शायद बिफोर को रिमूव कर रहा होगा और सिंकिंग को सिंक कर रहा होगा एंड सो ऑन. और फिर इन सब की इकट्ठी पॉसिबिलिटी नहीं ढूंढ रहा होगा वो, ये पांचों चीजें अलग अलग भी पड़ी हों तो भी मुझे निकाल कर दे देगा. ये 26 मिलियन उसके अकाउंट से, नॉट फॉर द स्टेटमेंट वाटर फ्लोज फास्टर बिफोर, राइट, जो इसे नहीं मिली है. सो दिस इज हाउ क्विक बिग ऑफ अ प्रॉब्लम दिस इज, एंड दिस इज हाउ क्विकली इट गोज आउट ऑफ हैंड, कि आपके एक छोटे से ही जुमले के अंदर पूरे इंटरनेट पे वो चीज़ नहीं मिल रही, तो कहाँ से आप कौन सा कॉर्पस लाएंगे जिसके अंदर आप अपनी लंबी पूरी ईमेल एग्जैक्टली आपको पढ़ी हुई मिलेगी एक खाली स्पैम की क्लास के अंदर, या नॉट स्पैम. तो आई होप कि आप अब तक कुछ ना कुछ इस बात पे कन्विंस हो गए होंगे कि क्यों वो आइडियल क्लासीफायर हम नहीं बना पाते, इवन दो कि हमारे पास उसका मैथ्स मौजूद. ऑल राइट, सो नाउ लेट्स लुक एट दोज टू अजम्पशंस दैट द नाइव बेस क्लासीफायर मेक्स. The first assumption is the conditional independence assumption. This is the one actually which is known as the naive Bayes assumption. So you assume that the feature probabilities xi cj, x aapka feature hai aur c aapki class hai, are independent given the class c. Iska kya matlab hai? आपने ये कहा कि जब आप निकाल रहे होंगे the probability of second feature given class, तो अब आपको first feature बीच में रखने की जरूरत नहीं है. So your whole thing will collapse. और अभी हम देखते हैं कैसे होगा. So for example, इस assumption का मतलब क्या है, अब जरा इस बात को समझें कि यहाँ हो क्या रहा है. इस assumption का मतलब ये है कि for example एक fruit है, वो अगर apple है, मैं ये recognizer बना रहा हूँ जो apple को पकड़ता है, अगर वो red है, round है और around 10 centimeters in diameter है, तो वो चीज़ apple है. थोड़ा सा बड़ा apple है वैसे, लेकिन चलो, it's an apple. It's red, round and about 10 centimeters in diameter. Naive Bayes ये कहेगा कि ये तीनों फीचर्स का एक दूसरे पे कोई असर नहीं, तीनों फीचर्स आपस में इंटरेक्ट नहीं करते, जबकि हमें पता है कि ये तीनों फीचर्स का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक तो होगा, हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कौन चले इसी को पहले देख लेते हैं कि ईच ऑफ दीज फीचर्स कंट्रीब्यूट इंडिपेंडेंटली टू द प्रोबेबिलिटी दैट द फ्रूट इज एन एप्पल रिगार्डलेस ऑफ एनी पॉसिबल कोरिलेशन बिटवीन द कलर, राउंडनेस एंड द डायमीटर. ठीक है, सिमिलरली आप ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं हाइट और वेट की बात कर रहा होता, मेरे दो फीचर हाइट और वेट होते हैं, एंड वी नो कि दीज फीचर्स कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन द अदर. छोटे बच्चों की हाइट कम होती है, वेट भी कम होता है, बड़े हो जाते हैं तो हाइट भी ज्यादा होती है, वेट भी ज्यादा होता जाता है, एंड सो दिस कोरिलेशन विल कंटिन्यू अंटिल अ सर्टेन पॉइंट, जिसके बाद फिर ओबीसीटी और उस तरह के आउटलायर्स आना शुरू हो जाएंगे, या बहुत छोटी हाइट या बहुत बड़ी हाइट के लोग आने लगेंगे. उन थोड़े से केसेस को निकाल के दिस हाई कोरिलेशन, हाउएवर नाइव बेस अज्यूम्स कि देयर इज नो कोरिलेशन. फीचर आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनकी एक गिवन एक फीचर दूसरे फीचर के बारे में रिवीलिंग नहीं है. मैं ये कहूँ कि वेट जो है वो 20 किलोग्राम है वर्सेस के मैं कहूँ वेट 60 किलोग्राम है, ये कुछ भी रिवील नहीं कर रहा हाइट के बारे में, जबकि ऐसा नहीं है. हमें पता है 20 किलोग्राम है तो शायद हाइट कम होगी, और अगर 40 किलोग्राम है तो हाइट ज़रा ज़्यादा होगी, और अगर 80 किलोग्राम है तो हाइट और ज़्यादा होगी. एंड आपने इससे पहले जब लॉजिस्टिक रिग्रेशन और रिग्रेशन पढ़ा था, तो उसमें इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स हमने माइस वगैरह की थी कि इट होल्ड्स अंटिल सर्टेन पॉइंट, और उसके बाद फिर वो ओबेसिटी वगैरह की चीज़ें शुरू होती हैं और वो वाले मामले आते हैं. ठीक है, सो नाइव बेस कम्प्लीटली इग्नोर्स दोज डिपेंडेंसीज एंड इट सेज देयर इज अ कंडीशनल इंडिपेंडेंस. और अभी मैं बात करता हूँ इंडिपेंडेंस क्या होती है और कंडीशनल इंडिपेंडेंस क्या होती है. द सेकेंड अजम्पशन दैट इट मेक्स इज अ बैग ऑफ वर्ड्स अजम्पशन, जिसके अंदर की ये कहता है, एंड दिस इज एन अजम्पशन जो कि हमेशा कैरी अक्रॉस नहीं होगी फ्रॉम केस टू केस, लेकिन वो टेक्स्ट में हमारे पास डेफिनेटली है और भी बहुत सी डोमेन्स में है. सो नाइव अजम्पशन इज द फर्स्ट वन, भोली अजम्पशन जो है ना वो पहले वाली है. जो दूसरी वाली है वो भी एस्टिमेशन हो रही है, लेकिन वो नॉर्मली उसको इसकी नाइव अजम्पशन कहा नहीं जाता, क्योंकि उसके बगैर भी इसको किया जा सकता है. सो दैट सेकेंड अजम्पशन इज द बैग ऑफ वर्ड्स अजम्पशन, विच मीन्स के पोजिशन का कोई फर्क नहीं, वर्ड एक आया हुआ है वो पहली पोजीशन में हो, दसवीं पोजीशन में हो, आखिरी पोजीशन में हो, वर्ड्स की पोजीशंस एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करा रही. सो स्पैम में अगर देखना है तो आपको ये नहीं पता कि किस जगह वो आया है, बस ये देखना है कि उस पूरी में ये वाला वर्ड आया है या नहीं आया. सो दैट्स द सेकंड अजम्पशन. टुगेदर दीज टू अजम्पशंस आर द वंस दैट वी हैव बीन रेफरिंग टू एंड द अजम्पशंस दैट वी हैव यूज्ड इन द एग्जांपल्स इन द लास्ट वीडियो. सो होता क्या है, दिस इज द ट्रू वे और एटलीस्ट स्लाइटली लेस एस्टिमेटेड वे ऑफ, यानी हम यहाँ पर अब ये अजम्पशन बस ले रहे हैं कि टेक्स्ट है तो इसकी यही ऑर्डर है जो इसमें गिवन है, x1 से लेकर xn ऑर्डर्ड है, तो इस ऑर्डर में अगर सही वे कैलकुलेट करने का प्रोबेबिलिटीज, जैसे कि अभी मैं पिछली स्लाइड में आपको दिखा के लाया हूँ ये वाला था,
x2 given x1 and then x3 given x1 x2 and so on, ये था. तो नाइव बेज इसके ऊपर ये कहेगा, इसको अप्रोक्सीमेट करेगा और कहेगा कि दिस कुड बी अप्रोक्सीमेटेड बाय सेइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 गिवन क्लास इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 गिवन क्लास इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 गिवन क्लास एंड सो ऑन अंटिल द प्रोबेबिलिटी ऑफ xn गिवन क्लास. नाउ यू सी कि जब हम वहां पर कह रहे थे हेलो फ्रेंड या वहां पर हम कह रहे थे विन प्राइज विन, तो वाई वर बी मल्टीप्लाइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेलो विद प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रेंड रादर देन डूइंग प्रोबेबिलिटी ऑफ हेलो इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रेंड गिवन हेलो एंड स्पैन. इस वजह से, इस इंडिपेंडेंस अजम्पशन की वजह से और इस बैग ऑफ वर्ड्स अजम्पशन की वजह से हम ये कर पा रहे थे. ठीक है, सो अब अगर इसको जनरलाइज कर दें तो फॉर एग्जांपल पोजीशंस के सेट में मेरी सारी वर्ड पोजीशंस पड़ी हुई है पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में, तो देन द नाइव बेस द क्लास प्रेडिक्टेड बाय द नाइव बेस द सी एंड बी इज इक्वल टू आर्ग मैक्स ओवर सी बिलोंग्स टू ऑल क्लासेस. सारे क्लासेस में जाएं, ये उस क्लास का प्रायर है. एंड देन दीज आर, दिस इज द प्रोडक्ट over the words in all positions, bag of words वाली assumption है आपकी, सारे words की frequencies हैं, तो उस word का जो count आपके पास आ रही है, उस word की जो probability आपके पास आ रही है उस particular class में. ठीक है, तो ये वो काम है जो अभी आप पिछले वाली video में करके आए. और अब आपको यहाँ ये भी समझ में आ जाएगा कि मैंने वो video पहले क्यों upload की और ये video बाद में क्यों की. अगर मैं ये पढ़ाने के बाद आपसे कहता है कि अब नाइव बेस को अप्लाई करें तो पता नहीं आप क्या करते. तो लिहाजा मैंने पहले वहाँ पर आपको करके दिखा दिया था कि इन रियलिटी करने में ये बहुत आसान है, एक्सट्रीमली सिंपल है. सिर्फ जब इसको समझने बैठते हैं तो कभी कभी थोड़े से कंफ्यूज बाज लोग हो जाते हैं. ठीक है, तो अब ये वाली इक्वेशन को अपने पास इंटरनलाइज कर लें कि ये जो ऊपर चीज़ लिखी हुई है ना, ये वाली जो चीज़ लिखी हुई है इसके अंदर ही अब आपने सिर्फ यहाँ पर प्रायर और शामिल कर दिया. इसमें प्रायर नहीं लिखा हुआ था तो आपने यहाँ पर द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्लास को आपने ऐड कर दिया इधर भी और इधर भी. सो यू हैव योर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास और वो जब आपने ऐड किया तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास यहाँ पर आ गई है और बाकी ये सारी चीज़ें आपस में, ये जो चीज़ें हैं ये आपस में प्रोडक्ट हो रही हैं, तो यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें आपस में प्रोडक्ट करके इकट्ठा करके लिख दिया है ओवर ऑल द वर्ड्स इन द डॉक्यूमेंट. ठीक है, तो हर जो आपकी ईमेल आई है नई टेस्ट ईमेल, उसके हर वर्ड के ऊपर जाओ और जाकर देखो कि उस वर्ड की क्या प्रोबेबिलिटी है, उस प्रोबेबिलिटी को इंडिपेंडेंटली आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो यू आर गोना गेट द एस्टिमेट फॉर दैट पर्टिकुलर क्लास. अच्छा जनाब, अब इससे होता क्या है, जब आप ये प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे वहाँ आपने देखा था चार वर्ड्स में उसमें चार सिफर आ गए थे. So these are going to lead to very small numbers, right? Very very small numbers. और वो underflow हो जाते हैं, बड़ी जल्दी आपके पास underflow की problem आ जाएंगी. तो इस वजह से हम normally कभी भी multiplications नहीं करते हैं, हम इनको additions में convert कर लेते हैं using a log. अब हम ये भी कह सकते हैं कि take a log on both sides, लेकिन ज़रूरत नहीं है. Because अगर आप ये ऊपर वाली चीज़ में देखें, अगर मैं log खाली right side पे भी ले लूँगा तो जो भी चीज़ मैक्सिमाइज कर रही है इस एक्सप्रेशन को वही चीज़ मैक्सिमाइज करेगी, वही क्लास मैक्सिमाइज करेगी इसके लॉग को भी. तो लिहाजा देर इज़ नो लॉस हियर कि वी जस्ट टेक अ लॉग ऑन वन साइड. सो दैट वुड मीन कि दिस इज आर्ग मैक्स सी बिलोंगिंग टू द क्लास लॉग ऑफ पी सी प्लस द लॉग ओवर द सम ऑफ द लॉग ओवर ऑल ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज, राइट. अब यहाँ पर एक चीज और ऑब्जर्व करने की है इसके अंदर. वंस यू कैलकुलेट दीज प्रोबेबिलिटीज एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू योर नाइव बेस मैप. सो बेसिकली दिस इज योर मैक्सिमम एट पोस्टीरियरी प्रोबेबिलिटी. यहाँ पर एक चीज ये नोट करें कि नाउ यू आर बेसिकली यूजिंग अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ योर फीचर्स. सो योर डब्ल्यू आईज आर योर फीचर्स या एक्स आईज आर योर फीचर्स. And in this log domain, this is just a linear combination. Your C and B is basically a linear combination of all of your features added to the log of your log of the probability of your class itself. So, ये expression आपको बहुत similar लग रहा होगा आपके logistic regression की expression से, और क्योंकि ये भी linear है. तो इसी वजह से हम अक्सर आप ये पढ़ेंगे कि आपका जो नाइव बेस क्लासिफायर है वो भी एक लीनियर क्लासिफायर है. एंड दैट्स बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ये भी एक लीनियर रिलेशनशिप पे रिलाई कर रहा है बिटवीन योर वेरियस फीचर्स. ऑलराइट, सो अब एक दफ़ा करके देख लेते हैं कि हमें फिर वो ओवर एस्टिमेशन अंडर एस्टिमेशन हो कहाँ रही है और कितनी हो रही है, उसको ज़रा एक नज़र क्विकली देख लेते हैं कि वो उसका कहाँ पर रोल आ रहा है. सो इफ़ यू लुक एट इट हियर, ये वो एग्जांपल है जो हम इससे पहले कर कर आए हैं जिसके अंदर हमने ये देखा था कि हमारे पास ये ईमेल्स हैं और ये मैंने नॉन स्पैम वाला हिस्सा लिया है और इस नॉन स्पैम से हमने ये नीचे हेलो फ्रेंड की प्रोबेबिलिटी निकाली हुई है, राइट. एंड दिस इज अ नाइव बेस प्रोबेबिलिटी. बाय नाउ यू नो कि दिस इज योर नाइव बेस प्रोबेबिलिटी बिकॉज आपने यहाँ पर हेलो और
फ्रेंड को डायरेक्टली आपस में मल्टीप्लाई किया हुआ है विदाउट एज्यूमिंग एनी डिपेंडेंस बिटवीन हेलो एंड फ्रेंड, राइट? अगर हम इसको इस तरह ना करते तो क्या होता? तो अब हम एज्यूम करते हैं, हमने ईमेलों को खोला और फर्ज करें इसमें ये टेक्स्ट लिखा हुआ है. सो सपोज वी हैव लाइक फर्स्ट ईमेल सेज हेलो फ्रेंड एंड द सेकंड ईमेल हेलो फ्रेंड व्हेन वर्क एंड थर्ड इज हेलो फ्रेंड व्हेन प्राइज एंड द फोर्थ इज हेलो फ्रेंड वर्क हेलो एंड देन हेलो फ्रेंड हेलो वर्क. आई थिंक मैंने कोशिश की थी कि ये एग्जैक्टली वही काउंट्स दे जो आपके हिस्टोग्राम के अंदर दिए हैं. ऑब्वियसली इतनी छोटे टॉय एग्जाम्पल में आई कुड नॉट टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ इट्स ग्रामर, बट इफ वी कैलकुलेट इट्स probability without using the naive assumption and we calculate its actual probability. So now the pn would remain the same, 508. The probability of hello given n will remain the same, that's fine. But the probability of friend given hello in non-spam, agar aap ye dekhen ki kitni dafa, so this is going to be the count of your hello friend divided by your count of hello. So if you hello friend को अगर आप जाकर देखें, so there is one hello friend, two hello friend, three hello friend, four hello friend and five hello friend. और अगर हम देखें hello इनके अलावा दो दफा और आया, right? So this is five, count of hello friend is five divided by the total times you see hello, which is seven. So this is essentially 5/7. And if you plug it in, you get a new probability which is very very high. This is like 0.17, 17% ke upar ye cheez ja rahi hai compared to this 6%, 0.0675. So this is how much you are underestimating the probability of this statement hello friend when you're using the naive Bayes assumption. So you're losing quite a lot in fact, but fortunately empirically when you test it you find that for classification in most of the cases this works just well, this works pretty fine.